Good morning. Good morning. तो मॉर्निंग में सबसे पहला काम होता है प्रोबायोटिक्स देने का, क्योंकि ब्रेकफास्ट से सबसे पहले एक घंटा या मैक्सिमम जो है दो घंटे पहले आप प्रोबायोटिक्स दे दीजिए। आधा घंटा पहले भी देंगे तो चलेगा। एंड मल्टीविटामिन्स जो हैं वो मैं बाद में देती हूँ जब विराज अच्छा अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है फिनिश, और फिश ऑयल भी तभी देती हूँ। तो ये दोनों मैंने आपको शोकेस भी किए थे, कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाला था। तो गार्डन ऑफ लाइफ है और ये स्विजी है। अगर आपको लिंक्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अपडेट कर दूंगी। बट ये वाली जो है ये मैं सबसे पहले विराज को मॉर्निंग में विराज कैंडी देती हूं। कैंडी गुड मॉर्निंग। विराज ये आपका एलिगेटर है। एलिगेटर एलिगेटर खा रहा है। क्या खिला रहे हो डॉगी को? बाय करो। बाय बाय। ये किसका डॉगी है? किसी कर दो अपने डॉगी को। किसी करो, हगी करो डॉगी को। अच्छा हगी करो डॉगी को। लो हगी कर दो। में क्या है ये? ग्रास लीफ लीफ है जी। मंकी क्या कर रहे हैं? मंकी किसी कर रहे हैं? मंकी ब्रश योर टीथ पकड़ो। सर्कल ऐसे फ्रंट टीथ ई फ्रंट टीथ पकड़ो। ये सारे टॉयज़ विराज के पापा लाते हैं। विराज के पापा जब बाहर जाते हैं तो कोई भी एक स्टफ्ड एनिमल जो है वो हमारे घर में आता ही आता है। तो अब बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पैनकेक्स हैं ये, और मैदा नहीं है, मल्टीग्रेन मिलेट्स वाले हैं, वाइट शुगर नहीं है। इसमें जो है इसके इंग्रेडिएंट्स में मेंशनड है कि इसमें आप मिल्क मिक्स कर सकते हो या एग मिक्स कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कोकोनट वाटर यूज़ किया, क्योंकि मुझे विराज को कोकोनट वाटर पिलाना बहुत मुश्किल लगता है। तो अब समर्स जब आएंगी तब मैं रूअफ़ा मिक्स करूँगी, लेकिन कोकोनट वाटर बहुत बेनिफिशियल होता है। तो जब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है चलो यार ये यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं, तो पैकेज्ड फूड हेल्प करता है कहीं ना कहीं। ऑल्दो मैं अवॉइड करती हूँ, बट स्टिल कोकोनट वाटर कह रही थी मैं आपको, तो कोकोनट वाटर निकाल रही हूँ और वही ऐड करूँगी अभी जो इसका बैटर है बनाने में। बहुत सिंपल है ये, बस बैटर डालना है आपको, कुछ मिक्स नहीं करना। आपकी चॉइस का कोई फ्रूट है तो आप डाल सकते हैं। बनानाज मत डालिएगा, कैरामलाइज होकर वो टूटने लगता है पैनकेक, तो मैंने नहीं डाले थे। ब्लूबेरी खिलाती हूँ मैं। ब्लूबेरी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है, एक्सपेंसिव आती है, बट फिर विराज के आगे मुझे कुछ और सोचता नहीं है, तो ब्लूबेरी मंगाती हूँ मैं, उसको देती हूँ। ये डालेंगे कोकोनट वाटर, बस इसको मिक्स करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। और स्पेशली जिस दिन विराज की छुट्टी हो जाए स्कूल की, तो मुझे बहुत रेडीमेड वाले काम करने पड़ते हैं, बिकॉज मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है सारी चीज़ें मैनेज करना, ऑफिस और ये ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ एक टाइम पर चल रहा होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। ये रहा ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ मैं कुकिंग के लिए, तो मतलब स्पेसिफिकली विराज के लिए तो कोई और ऑयल चलता ही नहीं है, सिर्फ ऑलिव ऑयल। और ये गया हमारा पैनकेक, अभी दिखाती हूँ जब रेडी हो जाता है तो।
लो ये पकड़ो। विराज अपनी कैंडी खा लो, ये लो कैंडी, ये रही बेटा इसमें। बनाना लाओ, मम्मा को दे दो, पील करो। तो विराज की छुट्टी वाले दिन एज़ यूजुअल बड़ा क्विक क्विक वाला खाना होता है, तो मुझे भी जो है ऐसा कुछ खाना पड़ता है जिससे मेरा पेट भर जाए एंड मेरा लंच ब्रंच एक ही साथ हो जाए, बिकॉज़ बहुत कम टाइम मिलता है खुद के खाने के लिए। तो अब ये जो है ये है कॉर्नफ्लेक्स, मुझे बहुत पसंद है, मतलब आई थिंक जब मैं शायद स्कूल टाइम पे थी तब ये लॉन्च हुए थे, तब से बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें शुगर वुगर नहीं डालनी पड़ती, फ्रूट्स डाल लेती हूँ अपनी चॉइस के, दूध डाल लेती हूँ, सीड्स डालती हूँ, सीड्स ज़रूर खाती हूँ मैं, क्योंकि 30 प्लस होने के बाद में ये सब चीज़ें जो हैं बहुत काम आती हैं आपके बुढ़ापे में। एंड आई हैव टू बी फिट फॉर विराज। ये मेरा ब्यूटीफुल सा मंदिर है, हम नहाकर रोज़ जो है यहाँ पर विराज से हाथ जुड़वाते हैं, खुद जोड़ते हैं। एंड ये मेरी मेरे घर का जो है ना सबसे पॉजिटिव और सबसे पीसफुल स्पेस है। किसी ने मुझसे बोला था कि आपका मंदिर बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसलिए मैंने ना आप लोगों के लिए ना ये शॉट लिया। एंड मेरे व्लॉग में मेरे भगवान जी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। आज मेरी हाउस हेल्प नहीं आई थी तो मैंने ही सफाई करी है, तो घर क्लीन हो जाता है जब एकदम टच होता है तो बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, विराज को एक जगह टिक के नहीं बैठना होता, कभी पापा के पास, कभी इस रूम में, कभी एक और रूम है उसमें, मतलब तीनों रूम्स में वो चक्कर लगाता रहता है, खेलता रहता है, तो वो एक जगह नहीं टिक के बैठता। और मोर कपड़े, थैंक यू, हो गए सारे, चलो चलो आगे चलो, हाँ चलो। विराज इधर भी, विराज ये वाला प्लांट बच्चे, नहीं हैंड मत लगाओ ना, बस प्लांट में डालो, प्लांट में ये क्रिसमस ट्री पे डालो, ये वाला। बालकनी मेरा फेवरेट स्पॉट है, विराज का भी फेवरेट स्पॉट है, बहुत अच्छा व्यू है हमारे घर से, ये सामने स्टेडियम। विराज ये मशरूम डालो, ये महाराज अभी भी लगे हुए हैं पौधों में पानी, मशरूम्स रखो बच्चे, अब हम इसमें रखो पुटिन और कैप्सिकम, बेटी कैप्सिकम रखो, रखो कैप्सिकम रखो, पुट इट। और ये क्या है, धनिया निकालो, पैकेट में से निकाल दो, यस धनिया लीफ, लीफी लीफ लीफ, इसमें क्या है देखो निकालो, एम्प्टी करो बैग को, ऐसे ऐसे करके ऊपर से पकड़ेंगे ना, ओ बनानास, यम्मी फेवरेट। इसमें क्या है विराज, ये वाला देखो, देखो 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 क्या है, एम्प्टी करो, इधर से, इधर से अप अप सा ऐसे पकड़, क्या है ये, क्या है ये, है जिंजर, जिंजर रखो, जिंजर इसमें रख दो, रख दिया, हाँ रखो रखो रखो, यस गुड। विराज एक मिनट बच्चे, इसमें देखो क्या है, डालो क्या है उसमें, डालो उप्स, क्या है ये, टमेटो, टमाटर, हाउ मेनी, वन टू, टमाटर हैं कितने हैं, टू हैं, टू टमाटर, हाँ
और कितने सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो गए हमारे पास। विराज ये रह गए, ये क्या है? कुकुम्बर्स, कुकुम्बर, थ्री कुकुम्बर्स रखो, 1, 2, 3 कुकुम्बर्स, कुकुम्बर्स। स्टैंड कर रहे हो उसको? क्या बना रहे हो? क्या ले आए आप? कैरेट? कैरेट नहीं, कैरेट, कैरेट, ऑरेंज कैरेट है ये तो। रोलिंग पिन, रोटी बना रहे हो? हो, ब्रेक कर दी, हाँ कर दो थोड़ी सी किस्ती मम्मा को। विराज मम्मा को किस्ती कर दो प्लीज, किस्ती कर दो, किस्ती किस्ती जल्दी से कर दे, किस्ती किस्ती मेरे को चाहिए। अरे रुक तो जा। तो मैं आज दोपहर में बनाऊंगी मटर कुलचे। मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था मटर कुलचे बनाने का, तो आज मैं मटर जो है वो भिगो के रख देती हूँ अभी दोपहर में, थोड़ा इवनिंग टाइम पर हम बना लेंगे। मतलब एज इन हमने ब्रेकफास्ट तो ऑलरेडी लेट किया है, तो इवनिंग टाइम पे हम बनाएंगे। तो ये मैंने कर दिए हैं छोले रेडी, या जिन्हें हम मटर भी कहते हैं, तो मटर रेडी कर दिए। घर पे मैंने इमली की चटनी बनाई थी खजूर और इमली मिक्स करके जल्दी जल्दी, एंड ग्रीन चटनी भी घर पे ही बनाई। एंड ये रहा कुलचा, ये मैं और विक्रांत खाएंगे। विराज को मैं पराठा या रोटी दूंगी मटर के साथ। मटर में ग्लूटेन नहीं होता है, तो आप अपने बच्चों को अगर आपको नहीं ऑप्शन समझ आता तो मटर बॉयल्ड जो है बहुत हेल्दी सोर्स होता है, अगर आप खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं। ये हमारी प्लेट रेडी हो गई है, एंड अब ये सीधा जो है विक्रांत को मैं सर्व कर दूँगी। ये विराज की रोटी बना रही हूँ मैं, तो विराज के लिए जो रोटी बनती है, या इनफैक्ट जो हमारे पूरे घर के लिए रोटी बनती है, ग्लूटेन फ्री आटा मुझे अमेज़ॉन पे दिखा था तो मैं वो मंगा रही हूँ तब से, एंड परफेक्टली फाइन है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कुछ नहीं है, विराज को सब कुछ ठीक चल रहा है। तो विराज की प्लेट में मैंने मटर और ये चटनी डाली है, क्योंकि इसमें खजूर है, इमली है, तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ नई सी चीज़ विराज के लिए, तो इसलिए उसके लिए चटनी भी लेके जा रही हूँ। कोशिश रखी आपको सब कुछ दिखाऊँ, जनरली ऐसा ही होता है, पढ़ाई का वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, अपोलॉजीज फॉर दैट, क्योंकि कल जब वीलॉग हम शूट कर रहे थे तो विराज ने छुट्टी जो है ले ली थी स्कूल से, एंड विराज छुट्टी पे था क्योंकि परसों लेट नाइट हो गए थे तो कल नहीं उठ पाए थे, तो इस वजह से कल छुट्टी हो गई थी। बट पढ़ाई का जो है या किस तरह से हम पढ़ाई करते हैं स्पेसिफिकली मैं एक वीलॉग शूट करूँगी, आई प्रोमिस। एंड इस वीलॉग के बाद जो नेक्स्ट वीलॉग मैं पोस्ट करूँगी वो स्पेसिफिक पढ़ाई से रिलेटेड होगा, कि मैं कैसे उसे पढ़ाती हूँ, वो कैसे पढ़ता है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर, एंड एक्चुअली क्या मेजर्स यूज़ करते हैं, वो वाला वीलॉग मैं पक्का पक्का पोस्ट करूँगी। डेडिकेटेड वीलॉग होगा वो, स्टडी टाइम विद विराज करके मैं उसका नाम रखूँगी, एंड वो सारा सब कुछ उसमें शेयर करूँगी। बट ये वीलॉग स्पेसिफिकली यही था कि बहुत लोग पूछते हैं ना कि आप थेरेपी पर कितना टाइम देते हो घर के अंदर, तो कोई थेरेपी नहीं है एक्चुअली मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से हर चीज़ थेरेपी होती है, चाहे आप डांस कर रहे हैं, चाहे बच्चे को ग्रॉसरी सेटिंग सिखा रहे हैं, चाहे कपड़ा सुखाना सिखा रहे हैं, कपड़े निकालना सिखा रहे हैं वॉशिंग मशीन में से, उसे इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने साथ, फन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग स्टैंड्स टू बी अ थेरेपी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हर चीज़ जो बच्चे को इंगेज करे या बच्चे को कोई चीज़ सिखाए उसे ही मेरे हिसाब से थेरेपी बोलते हैं। क्योंकि मैं विराज को रोबोटिक नहीं बनाना चाहती, मैं विराज को इस काबिल बनाना चाहती हूँ कि अगर विराज बोल नहीं रहा या कहीं ना कहीं जाकर अगर उसकी कम्युनिकेशन में डेफिसिट रह जाता है तो एटलीस्ट विराज जो है अपने जेस्चर्स से या इतना इंडिपेंडेंट हो जाए कि उसे किसी को बताने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद वो चीज़ें कर ले, जो कि काफ़ी हद तक मैं देखती हूँ कि उसने ऐसा अचीव किया है माइलस्टोन। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है विराज की। अगर आपको कंपेयर करना है कि विराज में क्या चेंजेस आए हैं, तो एक्चुअली
जब मैं वीलॉग शूट कर रही थी और मैंने रेडी कर लिया था सब एडिट करके, तो मैंने एक चीज़ चेक करी कि चलो मैं देखती हूँ, जो मैंने पहले वीलॉग एक अपडेट किया था नेविगेटिंग ऑटिज्म अ डे इन विराज लाइफ, तो जब वो वीलॉग देख रही थी एंड जब ये वीलॉग कंपेयर कर रही थी तो बहुत मेजर डिफरेंस नज़र आया मुझे। और सबसे बड़ा एज अ मॉम जो मुझे डिफरेंस लगता है वो ये है कि विराज का आई कॉन्टैक्ट, जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं तो विराज कैमरा की तरफ देख रहा है, विराज का आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा हुआ है, विराज की अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्प्रूव हुई है, वर्बल हो गया है क्योंकि अब रेपिटेशन के मोड में है कि वो कोई भी चीज़ों से बोलो तो वो रिपीट करता है, और रिपीट इस तरह से नहीं करता कि ये लगे कि वो किसी आउट ऑफ सिचुएशन में जाके रिपीट करा, वो उसी सिचुएशन में इमीडिएट एको ले लिया प्रोड्यूस करता है। एंड वो चीज़ जो है उससे मुझे समझ आता है कि वो एक्नॉलेज करता है कि हाँ उसे बात समझ आई है, एंड ही इज़ इंगेज्ड। वो नेम करता है ऑब्जेक्ट्स को, पहले उसके माउथ से वर्ड्स निकलवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, बट अब बहुत जल्दी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है तो पूछो कि क्या चीज़ है या एम्प्टी कर दो, या आपने देखा होगा मैं ग्रॉसरी सेटिंग करा रही थी उस समय भी वो बोल रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलने के लिए तो बहुत लोग बोल लेते हैं बट समझदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो है तो बच्चा इंडिपेंडेंट बनता है। सिर्फ बोलने से, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं बट काम नहीं कर पाते हैं बिकॉज स्किल नहीं होता उनके अंदर, तो स्किल आना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों के स्किल्स पे काम करिए, बोलना आना बहुत ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन बहुत बड़ा पार्ट है क्योंकि वो मीडियम बनता है हम लोगों के बीच में एक दूसरे की फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करने का, लेकिन अगर वो चीज़ की कमी है तो बच्चे की उस कमी को ओवर पावर मत होने दीजिए उसके स्किल्स से, उसके स्किल पे काम करिए। उसके अलावा खाने से रिलेटेड जो मैंने चीज़ें दिखाई हैं वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, कौन सा मैं आटा यूज़ करती हूँ, तो मैं ग्लूटेन फ्री आटा यूज़ करती हूँ, वो मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपको लग रहा होगा मैंने रोटी दी है। दूध आलमंड मिल्क हम यूज़ करते हैं बट विराज की अब मिल्क इनटेक बहुत कम हो गई है, सॉलिड फूड्स बढ़ गए हैं। उसके अलावा पैनकेक बनाया था तो पैनकेक का लिंक भी मैं डाल दूंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम रन आउट हो जाते हैं ऑप्शंस पे, हमें नहीं समझ आता कि आज क्या खिलाएं, कौन सी नई चीज़ लेकर आए, तो उस दिन जो है उतना डाइट पे कंसंट्रेट ना करके जो अवेलेबल होता है वो खिलाते हैं, बट कोशिश रखते हैं वही कि ज़्यादा दिन जो है डाइट फॉलो करें, कम डेज़ ऐसे हों जिस दिन हम चीट मील्स करें। और जाने से पहले बस आपको यही बात बोलना चाहूँगी कि ये वीलॉग सिर्फ एक ज़रिया है आप लोगों को बताने का कि हाँ जो भी हम मेहनत कर रहे हैं मिलके एज पेरेंट्स, क्योंकि मिलकर कर रहे हैं, बिकॉज जो मैं आपसे शेयर करती हूँ आप भी मुझे फीडबैक देते हैं और कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ तो शायद विराज के लिए अच्छा, और मैं वो करती हूँ तो विराज में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। तो ये वीलॉग एक ज़रिया है मेरा भी आपको ये बताने के लिए कि एक्चुअली आपके कमेंट्स जो आप मुझे लिख रहे हैं वो काम मैं कर रही हूँ विराज के साथ, एंड वो कहीं ना कहीं वर्कआउट करता है। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपने ये वीलॉग एंजॉय किया होगा। So have a good day and bye till the time I bring that next vlog to you, jisme hum study time karenge. Bye.